सिस्टम कंपैटिबिलिटी एरर। दोस्तों 2018 के बाद एडोब का जो सॉफ्टवेयर अपडेट किया गया है तब से ये एरर शो करता है। किसी के पास अनसपोर्टेड वीडियो ड्राइवर शो करता है तो किसी के पास योर वीडियो ड्राइवर डज नॉट मीट सिस्टम रिक्वायरमेंट फॉर दिस एडोब एप्लीकेशन इन विंडोज 11 ये शो करता है। और आज का वीडियो में हम लोग सीखेंगे क्या इस एरर को हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं, और आप भी इस स्टेप को फॉलो कीजिएगा तो आपका भी एरर सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम लोग यहाँ पे ग्राफिक्स कार्ड का मॉडल नंबर को सर्च करेंगे। तो यहीं पे मेरा शो कर रहा है GTX 1650, तो ये मेरा ग्राफिक्स कार्ड है। अब इसके बाद हम लोग गूगल क्रोम में जाएंगे और यहाँ पे सर्च करेंगे प्रीमियर प्रो सिस्टम रिक्वायरमेंट। ऊपर में जो लिंक है इस पे क्लिक करेंगे और इस वेबसाइट में एकदम नीचे में चले जाएंगे तो यहाँ पे ग्राफिक्स कार्ड का मॉडल नंबर शो कर रहा है जो डायरेक्ट एडोब से ये सजेस्टेड किया गया है। तो हम यहाँ पे सर्च करते हैं कि ये मेरा सपोर्ट करता है या नहीं। तो नीचे में NVIDIA GeForce GTX 1650 ये शो कर रहा है। दोस्तों ये तो क्लियर हो गया क्या ये ग्राफिक्स कार्ड प्रीमियर प्रो में सपोर्ट करेगा। अब इसके बाद हम लोग NVIDIA का वेबसाइट पे जाएंगे जहाँ से हम लोग ग्राफिक्स कार्ड का ड्राइवर को इंस्टॉल करेंगे। तो ये NVIDIA का वेबसाइट है, अब इसको जरा सा ध्यान में रखिएगा तभी आपका सही ग्राफिक्स कार्ड का ड्राइवर इंस्टॉल होगा। प्रोडक्ट टाइप में हम लोग यहाँ पे GeForce को सिलेक्ट करेंगे। प्रोडक्ट सीरीज में हम लोग यहाँ पे 16 सीरीज को सेलेक्ट करेंगे क्योंकि मेरा जो ग्राफिक्स कार्ड का मॉडल है वो 1650 है। और उसके बाद प्रोडक्ट में हम लोग यहाँ पे GeForce GTX 1650 को सेलेक्ट करेंगे। और ऑपरेटिंग सिस्टम अगर आपका विंडोज 10 है तो विंडोज 10 को ही रहने देंगे, अगर आपका विंडोज 11 है तो विंडोज 11 को सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद हम लोग सर्च पे टैप कर देंगे। अब यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि ग्राफिक्स कार्ड का टोटल डिटेल्स यहाँ पे शो कर रहा है। इसके बाद हम लोग डाउनलोड पे टैप करेंगे तो डाउनलोड पेज पे आ जाएंगे। फिर से यहाँ पे हम लोग डाउनलोड पे टैप करेंगे तो मेरा ड्राइवर डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। दोस्तों ये तो डाउनलोड हो गया, अब हम इस ड्राइवर को इंस्टॉल करेंगे। तो सिंपल डबल टैप करके ओके पे टैप कर देंगे तो ये मेरा इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। दोस्तों इंस्टॉल होने में जरा सा टाइम लगेगा, और जब तक ये इंस्टॉल हो रहा है मैं आपको एक जरूरी बात बता दूं, अगर आपका प्रीमियर प्रो में सिस्टम रिक्वायरमेंट में अनसपोर्टेड वीडियो ड्राइवर शो करता है तो इसका मतलब ये है कि आपका मशीन में ग्राफिक्स कार्ड नहीं है, या फिर जो ग्राफिक्स कार्ड है वो आपका प्रीमियर प्रो में सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो इसके लिए हम लोग यही कर सकते हैं कि हम लोग ग्राफिक्स कार्ड को अपग्रेड कर सकते हैं, और अगर हम लोग अभी नहीं कर सकते हैं तो इसको कंटिन्यू विथ नोन इशू पे क्लिक करके हम लोग प्रीमियर प्रो पे काम कर सकते हैं, लेकिन जरा सा स्लो काम करेगा। दोस्तों अब चलते हैं ग्राफिक्स कार्ड इंस्टॉलेशन की तरफ। तो यहाँ पे सिस्टम चेक है, उसको जैसा डिफॉल्ट है वैसे ही रहने देंगे, उसको एग्री टू कंटिन्यू करके और नेक्स्ट पर टैप कर देंगे तो ये मेरा फिर से इंस्टॉलेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। दोस्तों इसमें जरा सा टाइम लगने वाला है, इसीलिए मैं इस पार्ट को जरा सा फास्ट कर दे रहा हूँ जिससे आपका टाइम वेस्ट ना हो। और यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं ये मेरा इंस्टॉलेशन कम्प्लीट हो गया है। अब इसके बाद हम लोग पीसी को रीस्टार्ट करेंगे। दोस्तों अब हम लोग यहाँ पे प्रीमियर प्रो को ओपन करके चेक करेंगे क्या यहाँ पे सिस्टम कंपैटिबिलिटी एरर शो करता है या नहीं। और यहाँ पे देख सकते हैं ये मेरा नहीं शो किया है और ये मेरा सिस्टम लोडिंग लेना स्टार्ट हो गया है। अब यहाँ पे हम लोग एक प्रोजेक्ट को बना के चेक करेंगे। फाइल पे जाएंगे, न्यू पे जाएंगे और प्रोजेक्ट पे जाके देखते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर रेंडर पे मर्करी प्लेबैक इंजन GPU एक्सेलरेशन शो कर रहा है CUDA। इसका मतलब ये है जो ग्राफिक्स कार्ड इंस्टॉल किया गया है वो यहाँ पे सपोर्ट कर रहा है। तो दोस्तों हम लोग सिस्टम कंपैटिबिलिटी एरर को ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं। तो आज का वीडियो इतना ही तक है, और जाते जाते मैं आपको इतना ही कहूंगा, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप तुरंत सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कीजिए इसी प्रकार और भी नए वीडियो बनाने के लिए। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।